रंग प्रेमियों के लिए बालको प्रबंधन की ओर से 20 दिवसीय नाट्य कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें बड़ी संख्या में नाट्य रसिकों ने हिस्सा लिया। इसका निर्देशन देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी, पटकथा लेखक और अभिनेता श्री अशोक मिश्र ने किया था। बालको समाचार के स्टूडियो में श्री मिश्र आश्रय उपस्थित हैं। आइए जानते हैं इस कार्यशाला से संबंधित उनके अनुभव और रंगकर्म से जुड़ी कुछ अन्य बातें। अशोक जी, आपका बालको समाचार स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपने 20 दिवसीय कार्यशाला की, उसमें आपका अनुभव क्या रहा, किस तरीके के लोगों से उनका जो इंटरेक्शन हुआ, कलागत जो प्रक्रिया से आप गुजरे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। यहाँ जब मैं आया तो मेरे मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे कि किन लोगों के साथ मुझे रंग कर्म करना होगा और किस तरह के लोग मिलेंगे। तो जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा तो बहुत सारे उत्साही बच्चे मुझे नजर आए और उनकी तादाद 20 दिन में बढ़ती चली गई और वो करीब 100 से ऊपर चली गई। फिर मैंने सोचा कि अब इन बच्चों से प्रतिभाशाली बच्चों को छांटा जाए, तो मैंने कुछ बच्चों को अलग किया जो ज़्यादा प्रतिभाशाली मुझे लगे। लेकिन एक दो दिन बाद मैंने पाया कि जिन लड़कों को मैं प्रतिभाशाली कम समझ रहा था, वो ज़्यादा प्रतिभाशाली निकले, क्योंकि दो दिनों में उनके सामने एक चैलेंज जैसा खड़ा हो गया कि हमको इन्होंने कम प्रतिभाशाली समझा, तो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की अपने आप। फिर मैंने पाया कि बड़े रचनात्मक बच्चे हैं, हर बच्चा कुछ ना कुछ खुद कोशिश करता है ढूंढने की, करने की, समझने की, और उनका पार्टिसिपेशन, उनका उत्साह देख के मेरा उत्साह दुगना होता चला गया हर दिन। और इसी का नतीजा है कि मात्र 20 दिनों में हम लोग 7 नाटक कर पाए जो विभिन्न मूड के हैं, जिसमें से कई नाटक बड़े कठिन थे, जिनको करना बड़ा मुश्किल काम था बच्चों के लिए, और बच्चों ने उसको इतना सुंदर तैयार किया और इतना सुंदर किया, अपनी प्रतिभा मिला के, अपनी रचनात्मकता मिला के, कि मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ। कस्बे के जो कलाकार होते हैं, रंगकर्मी जो होते हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि आपने बड़े शहरों में भी कार्य किया है, उसकी तुलना में आप यहाँ के कलाकारों को कैसा पाते हैं? कस्बे या छोटे शहरों के जो रंगकर्मी होते हैं उनमें प्रोफेशनल एटीट्यूड की कमी होती है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें उनको देखने को मिलती है, वो प्रोफेशनल नाटक नहीं देख पाते या इस तरह का रंगकर्म या वर्कशॉप ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोफेशनल एटीट्यूड जो होना चाहिए आर्ट के साथ, वो उनमें निसंदेह कम होता है। लेकिन उनमें जो चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है वो ये होती है कि समर्पण उनका ज़्यादा होता है। महानगरों में हम लोग काम करते हैं, बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तो हमको लगता है कि यहाँ के बच्चे बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं, उनको वापस जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, लोकल से जाना है, वो एक उनको टेंशन होता है। दूसरा, यहाँ उस तरह का टेंशन नहीं है, यहाँ पूरी तरह से कला में बच्चे डूब सकते हैं और रचनात्मक हो सकते हैं, उनके पास वक्त भी थोड़ा ज़्यादा होता है और चिंताएँ भी उनकी कम होती हैं, तो इस वजह से उनकी रचनात्मकता ज़्यादा खिल के निकल आती है छोटे शहरों में। समर्पण का भाव ज़्यादा होता है, मिलजुल के काम करना ज़्यादा होता है। महानगरों में एक तरह का अपरिचय होता है, जो बच्चे आते हैं वो मालूम नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उनका एक उनके साथ रिलेशन बड़ा कम होता है। छोटे शहरों में सब बच्चे लगभग एक दूसरे को जानते हैं, तो उनके दोस्त भी होते हैं और मंच में भी दोस्ती नज़र आती है, उनकी एक रिलेशनशिप नज़र आता है, जो नाटक के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ जो आपको कला से संबंधित वातावरण कैसा लगा आपको, क्या आपने महसूस किया इसके बारे में? औद्योगिक क्षेत्रों में मैं हमेशा से काम करता रहा हूँ, दिल्ली में मैंने काम किया और भेल के साथ काम किया मैंने दिल्ली में, फिर मैंने NTPC में काम किया था कोरबा में बहुत पहले, और उसके बाद बालको में मेरा ये पहला मौका था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कला की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। कला और विज्ञान जहाँ एक साथ काम कर सकते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र ही हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि बालकों में बड़ी अवेयरनेस है। यहाँ मैंने देखा कि कलाकारों का एक अच्छा दल है, वो अपनी परंपराओं को भी जानते हैं, लोक नाट्य को भी जानते हैं, और एक वैज्ञानिक आधुनिक समझ भी उनकी है, क्योंकि वो एक औद्योगिक संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह का वातावरण बहुत ही ज़रूरी है औद्योगिक क्षेत्रों में, और बालकों में वो वातावरण है। जैसे यहाँ एक रंग भवन है जो बड़ी ज़रूरत पहले पूरी करता है, दूसरे शहरों में बड़ी मुश्किल होती है कि हम नाटक कहाँ करें, लेकिन आप लोगों ने ये ध्यान रखा है कि
कि यहाँ सभी तरह की चीजें हों, तो मनोरंजन की भी चीजें हों, एक रंग भवन हो जहाँ बच्चे काम कर सकें, ड्रामा कर सकें, नृत्य के कार्यक्रम हो सके, गायन हो सके, शास्त्रीय गायन हो सके, क्योंकि इन चीज़ों की जरूरत औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। जो लोग काम करते हैं भले वो पार्टिसिपेट न कर पाए, पर उनके बच्चे अगर काम करते हैं, उनके और बाकी घर के सदस्य रंग कर्म करते हैं, और फिर जब वो मनोरंजन होता है तो उनके परिवार का भी मनोरंजन हो रहा है, जिसकी उनको चिंता नहीं रहती क्योंकि वो तो अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसी जगह में जहाँ मनोरंजन के साधन कम हैं, वहाँ रंग कर्म बहुत बढ़िया साधन हो सकता है। जो मुझे लगा कि बालको इस बारे में बड़ा सक्रिय है, यहाँ आप लोगों ने पता चला मुझे कि अंधा युग जैसा एक बड़ा नाटक किया, फिर लाल कलेर जैसा एक क्लासिक प्ले किया, तो किसी औद्योगिक संस्थान में ऐसा संभव नहीं है जो यहाँ संभव हो रहा है। दूसरा ये है कि आपने और बाकी जगह भी काम किया है, यहाँ भी काम किया है, व्यवस्था संबंधी जैसे प्रबंधन काफ़ी, जैसे आप कह रहे हैं कि सक्रिय रहा है, इस तरीके के अनुभव आपको अन्य जगह के मुकाबले यहाँ कैसे लगे? अच्छा है, बहुत अनुशासित है, डिसिप्लिन लोग हैं, डिसिप्लिन ढंग से काम करते हैं, और जो चीज़ उनको कही जाए उसको प्रोफेशनली ला के देते हैं, करते हैं वो काम, सब लोग डूब के काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो एक संस्थान में काम करने की वजह से है शायद कि वो एक औद्योगिक अनुशासन के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अनुशासन की कला में भी आता है। कला में एक अनुशासन की बड़ी ज़रूरत होती है और उद्योग में अनुशासन की बड़ी ज़रूरत होती है, तो दोनों का यह अच्छा समागम है। जो रंगकर्म को ही अपना पेशा बनाना चाहते हैं आगे चलकर, इनमें से हो कई बच्चे शायद ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि वो आगे और काम कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या सलाह है आपकी? इसमें बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मतलब अगर 100 बच्चों ने काम किया है और वो कला के क्षेत्र में अगर जुड़े रहें तो निसंदेह उसमें से 15-20 तो आमिर खान निकल सकते हैं, 15-20 शाहरुख खान निकल सकते हैं, 20-25 अमिताभ बच्चन निकल सकते हैं, ऐसे ही लड़कियां निकल सकती हैं, बहुत सारी ऐश्वर्या राय निकल सकती हैं, बहुत सारी वैजयंती माला, नरगिस, मधुबाला निकल सकती हैं, क्योंकि अभिनय का सब में बड़ी प्रतिभा है। अब उसको कितना वो बढ़ाते हैं इस पर डिपेंड करता है, और वो किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं, ऐसे बच्चे हैं यहाँ। आप बालको समाचार के स्टूडियो में, मिश्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री अशोक मिश्र जो यहाँ पर नाट्य कर्मशाला को निर्देशित करने आए थे।